मेरठ में प्रथम चरण के चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने बैठक ली। बैठक में चुनाव की सुरक्षा को लेकर प्लान तैयार किया गया ताकि किसी भी बूथ पर अराजक तत्व अराजकता न फैला पाए। अगर कोई अराजकता फैलाने या चुनाव में खलल डालने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। जनपद में जो बूथ हैं जिनमें 180 हैं जो अति संवेदनशील और 203 संवेदनशील बूथ्स हैं, जिसमें CPMF और सिविल पुलिस, होमगार्ड्स और इसके अलावा ये फोर्स एंगल से डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और जो अपने वीडियोग्राफर्स की तैनाती, इनके वजह से हर गतिविधि फुल टाइम रिकॉर्डिंग में चलेगी और कोई भी ऐसा गतिविधि जो संदेहास्पद होगा उसे तत्काल नोटिस में लाया जाएगा और उसे तब का तभी उसका निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर हम लोगों ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की है। इसके साथ साथ जनपद में अन्य जनपदों से जो आए हुए सिविल पुलिस और होमगार्ड्स की भी तैनाती है और किसी भी सूचना पर 5 से 10 मिनट के अंतराल में वो वहाँ पहुँचेंगे। इसके साथ साथ हमारे UP 100 के भी 62 व्हीकल्स हैं, वो भी इसके लिए एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड रहेंगे और किसी भी 100 नंबर पे सूचना पर भी वो लोग पहुँचेंगे।